व्हाट इज वाइब्रेशन, जैसे कि हमको पता है टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एनी बॉडी अबाउट इट्स मीन इक्विलिब्रियम पोजिशन इज कॉल्ड एज वाइब्रेशन। और उसी डेफिनेशन में आगे हम लोगों ने एक सेंटेंस जोड़ा था अनवांटेड टू एंड फ्रो मोशन, क्योंकि हम मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए जो वाइब्रेशन होते हैं वो अनवांटेड होते हैं। कई प्रकार के वाइब्रेशन हम लोगों ने पढ़े थे, नेचुरल वाइब्रेशन, फोर्स्ड वाइब्रेशन, डैम्ड वाइब्रेशन। नेचुरल वाइब्रेशन वो जब हमारे जो वाइब्रेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो नेचुरली धीरे धीरे आकर के कम होता है तो वो कहलाता है नेचुरल वाइब्रेशन एक सिंगल टाइम फोर्स देने के बाद। फोर्स्ड वाइब्रेशन जब हम लोग रिपीटेटिव फोर्स देते हैं हर साइकिल कंप्लीट होने के बाद और उससे वो टू एंड फ्रो मोशन करता है। थर्ड हम लोगों ने देखा था डैम्ड वाइब्रेशन, जब हर साइकिल कंप्लीट होने के बाद हम लोग रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। डैम्पर का मतलब मैंने आपको बताया था उस टाइम पर रेजिस्टेंस, तो हर साइकिल के बाद अगर मैं रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा हूँ तो वो कहलाएगा डैम्ड वाइब्रेशन। और अलग अलग तीन प्रकार की मेथड्स हम लोगों ने नेचुरल फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी के बारे में भी हम बात कर चुके, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड कंप्लीटेड बाय अर सिस्टम, मतलब टू एंड फ्रो मोशन करके उसने कितनी साइकिल कंप्लीट करी हमारे सिस्टम ने एक सेकेंड में, वो कहलाती है उसकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी। तो नेचुरल फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला हम लोगों ने अलग अलग मेथड से डिफाइन किया था, डिस्क्राइब किया था, उसमें से एक मेथड थी हमारी रिलीज मेथड, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। और रिलीज मेथड के माध्यम से हम लोगों ने ओमेगा एन का फॉर्मूला निकाला था कितना, अंडर रूट किया अपॉन में एम। तो इसी से आज हम लोग न्यूमेरिकल्स की कुछ बात करते हैं। पहला हम लोग को यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा है नेचुरल फ्रिक्वेंसी का, जो कि गेट 2010 में आया हुआ है, ठीक है। नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ ए स्प्रिंग मास सिस्टम ऑन अर्थ इज ओमेगा एन, देन द नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ दिस सिस्टम ऑन द मून इज सी। मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी यही बोला था कि जो ओमेगा एन है यानी कि जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी है वो इंडिपेंडेंट है वेट के, यानी कि ग्रेविटेशनल का उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। ओमेगा एन का फॉर्मूला आप यहाँ देख सकते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ दिख रहा है हमको के अपॉन में स्टिफनेस और मास। सी मून पे जाकर के हमारा मास तो वही का वही रहता है, हमारा वेट कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल का पुल टूवर्ड्स ग्रेविटी हमको कम होता है, हमारा मास वही का वही है, हमारी बॉडी की स्टिफनेस वही का वही है, इसलिए ओमेगा एन भी वही का वही रहेगा। तो जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी हमारी अर्थ पे है वही की वही नेचुरल फ्रिक्वेंसी कहाँ मिलेगी हमको, मून पे, यानी कि इसका आंसर हुआ हमारा ए ओमेगा एन। अगले क्वेश्चन में मैंने एक चीज़ और बताने की कोशिश करी है, आप पहले तो नोट पढ़ लीजिए। मैंने लिखा नेचुरल फ्रिक्वेंसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिएंटेशन एंड लोकेशन। आप ओरिएंटेशन भी देख सकते हैं कि इस बार जो मैंने स्प्रिंग मास सिस्टम है उसको थीटा अमाउंट के एंगल पे ओरिएंट करके रखा है, और आप देख सकते हैं मास और के मतलब हम लोगों ने इसको ओमेगा एन के फॉर्मूले में रखा तो ओमेगा एन की जो वैल्यू आ रही है 31.62 और एफ एन आ रहा है 5.03 हर्ट्ज। यानी कि अगेन आई एम टेलिंग यू नेचुरल फ्रिक्वेंसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिएंटेशन, मतलब कि आप उसको कैसा भी रखिए, सीधा रखिए, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, जैसा रखना, इंक्लाइंड रखिए। एंड लोकेशन यानी कि आप उसको अर्थ पे रखिए, चांद आई मीन मून पे रखिए, कहीं पे भी रखिए, ओरिएंटेशन से उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर इसी स्प्रिंग मास सिस्टम में हमको बहुत सारे कॉम्बिनेशन देखने को मिलते हैं। यहाँ पर हमको दिख रहा है कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स, यहाँ दिख रहा है हमको स्प्रिंग्स इन सीरीज। आप देख सकते हैं यहाँ पे दो स्प्रिंग K1 और K2 जिनकी स्टिफनेस है वो हमको सीरीज में यहाँ पे दिख रही है, और हम लोगों ने एक नीचे की तरफ F अमाउंट का एक अनवांटेड फोर्स उस पर अप्लाई किया है। देखिए सोम के अंदर एक कंसेप्ट आता है कि जब भी किसी भी फोर्स को हम लोग एंड पे अप्लाई करते हैं तो पूरे के पूरे सिस्टम में यहाँ से लेकर यहाँ तक जो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड रहता है वो रहता है सेम। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि एफ टोटल इक्वल टू एफ वन इक्वल टू एफ टू, दैट इज सिंस लोड इज एक्टिंग एट एंड। और फिर हम लोग यहाँ पे एक चीज़ और देख सकते हैं, कॉमन सेंस हम लगा सकते हैं कि जब मैंने इस मास को नीचे की तरफ खींचा तब कुछ अमाउंट में ये स्प्रिंग डिफ्लेक्ट होगी, कुछ अमाउंट में ये डिफ्लेक्ट होगी, टोटल डिफ्लेक्शन जो होगा वो डिफ्लेक्शन ऑफ फर्स्ट प्लस डिफ्लेक्शन ऑफ सेकंड होगा, है ना। तो इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के अंदर हम लोग बाकी की चीज़ें रखते हैं, सिंस वी नो दैट के इक्वल टू एफ अपॉन डेल्टा, इसलिए डेल्टा कितना हो गया हमारा एफ अपॉन में के। इस डेल्टा टोटल की बात करूंगा यहाँ पे तो वो होगा एफ टोटल अपॉन में पूरा के सिस्टम, पूरे सिस्टम का के। यहाँ पे दो अलग अलग स्प्रिंग लगी रखी, सी हमको ये पता है कि ओमेगा एन क्या है, अंडर रूट ऑफ के सिस्टम अपॉन में, लेकिन यहाँ पे दो अलग अलग के है, के वन और के टू हमको देख रखे हैं। हम जो इस फॉर्मूले में के यूज करेंगे वो हमारे पूरे के पूरे सिस्टम का एक के होना चाहिए, यानी कि इक्विवेलेंट टू बोथ दीज के, राइट। तो उसको इसीलिए हम लोग, हमारा ये टॉपिक का मतलब यही है कि अगर हमको स्प्रिंग जो है वो सीरीज में देखे रखी है या पैरेलल में देखे रखी है तब उस टाइम पे जो के सिस्टम होगा वो कितना होगा। तो सीरीज के लिए हम लोगों ने निकालने की कोशिश करी है, डेल्टा टोटल में हम लोगों ने रखा एफ टोटल अपॉन में के सिस्टम का, डेल्टा वन की जगह एफ वन के वन, डेल्टा टू की जगह एफ टू के टू, और एफ वन एफ टू और एफ टोटल ये तीनों हमारे कट रहे हैं। क्यों कट रहे हैं? क्योंकि हम लोग ये बात कर चुके हैं लोड कहाँ पे लग रहा है, एंड पे लग रहा है, उसी कारण से सिस्टम की जो फाइनल हमारे पास में स्टिफनेस आई है, ओवरऑल स्टिफनेस वो दिख रही है हमको वन अपॉन में के टू, वन अपॉन में के वन, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, वन अपॉन में के वन प्लस वन अपॉन में के टू।
नेक्स्ट स्प्रिंग इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप देख सकते हैं, एक अगेन आप एक अपने कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि इस मास को अगर मैं नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट करता हूं तो जितना डिफ्लेक्शन इस स्प्रिंग का होगा उतना ही डिफ्लेक्शन इस स्प्रिंग का होगा। अगेन जब मैं इस मास को नीचे की तरफ खींच रहा हूँ तो ऑब्वियसली कुछ फोर्स मुझे लग जाएगा इस स्प्रिंग को खींचने में और कुछ फोर्स लग जाएगा मुझे इस स्प्रिंग को खींचने में। तो इस इक्वेशन से हम लोग बोल सकते हैं कि टोटल फोर्स इक्वल टू एफ वन प्लस एफ टू, और उसके पहले हम लोगों ने बात करी कि टोटल जो सिस्टम का डिफ्लेक्शन होगा वही स्प्रिंग वन का डिफ्लेक्शन होगा, वही स्प्रिंग टू का डिफ्लेक्शन होगा। तो इस इक्वेशन में हम रखते हैं के सिस्टम डेल्टा सिस्टम के वन डेल्टा वन प्लस केटा डेल्टा टू, क्योंकि सिस्टम का डेल्टा, स्प्रिंग वन का डेल्टा और स्प्रिंग टू का डेल्टा तीनों सेम है। तो फाइनल इक्वेशन हमारे पास में बचती है के वन प्लस के टू, और ओमेगा का जो फॉर्मूला हमारे पास के सिस्टम अपॉन एम में उसको हम रखते हैं, हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। इसमें हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन अपन लोग बात कर रहे हैं गेट 2009 का, इसमें हम लोग देख पा रहे हैं क्वेश्चन देके रखा ऑटोमेटिव इंजन वेइंग 240 केजी सस्पेंडेड ऑन फोर स्प्रिंग, चार स्प्रिंग देके रखी है, दो आगे की तरफ है, दो फ्रंट स्प्रिंग जिनकी स्टिफनेस है 16 मेगा न्यूटन पर मीटर एंड स्टिफनेस ऑफ ईच रियर स्प्रिंग इज 32 मेगा न्यूटन। इंजन स्पीड हमको निकालना है यानी कि आरपीएम हमको निकालना है। पहले हम लोग ओमेगा एन निकाल लेते हैं। हम लोग इस डायग्राम के माध्यम से हम लोग यहाँ पे देख पाते हैं कि ऊपर लगा हुआ हमारे इंजन 240 केजी का, दो स्प्रिंग लगी है 16 की आगे, 32 स्टिफनेस की पीछे लगी हुई है। हम इन चारों को देख के पता कर सकते हैं कि चारों स्प्रिंग का हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में, चारों की स्टिफनेस को हम जोड़ते हैं तो हमारा के इक्विवेलेंट आता है 96 मेगा न्यूटन पर मीटर। ओमेगा का जो फॉर्मूला हमारे पास में अंडर रूट के बाय एम, उसमें हम 96 रखेंगे, के की जगह मास हमको 240 दे के रखा हुआ है उसको हमने रखा, और ओमेगा के हमारे पास में कुछ वैल्यू आई है, हमको ये पता है ओमेगा होता है हमारा 2 पाई एन अपॉन में 60। इस पूरे को सॉल्व कर करके हम लोग एन की वैल्यू निकाल सकते हैं 60-40 आरपीएम। देखिए इस क्वेश्चन में ऑप्शन देकर हमको ए है ना इजी। सेकंड हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए दोनों स्प्रिंग आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन में दिख रही है, एक की स्टिफनेस के है दूसरे की भी के है, दोनों को जोड़ते हैं अगर पैरेलल के अनुसार तो के वन प्लस के टू यानी कि 2K, और ओमेगा एन का फॉर्मूला होता है अंडर रूट के अपॉन में एम। यहाँ पे हमारा जो के इक्विवेलेंट है वो 2K के बराबर है, तो इसलिए हम लोग फॉर्मूले में रखेंगे 2K अपॉन में एम। तो देखिए डायरेक्टली हमको यहाँ पे दिख रहा है आंसर ए, इसको हमको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, गेट 2017 में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिख रहा है, देखिए स्प्रिंग का बहुत पैरेलल कॉम्बिनेशन का बहुत ही बेसिक कंसेप्ट था कि दोनों ही स्प्रिंग का जो डिफ्लेक्शन होगा वो होगा सेम। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं इस क्वेश्चन को देख करके, अगर ये 100 केजी को मैं नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट करता हूँ तो ये जो स्प्रिंग है ये तो कंप्रेस हो रही है, लेकिन जितनी ये कंप्रेस होगी उतनी ही ये स्प्रिंग क्या होगी टेंशन में आएगी, स्ट्रेच होगी, यानी कि इस पर लग रहा है कंप्रेसिव लोड, इस पर लग रहा है टेंसाइल लोड कब जब हम इस मास को नीचे की तरफ खींचते हैं, और ये बात हमको समझ में आ सकती है कि जितनी ये कंप्रेस होगी उतनी ही ये डिफ्लेक्ट हो रही है हमको, क्योंकि अल्टीमेटली नेट चेंज इन लेंथ दोनों का इस कॉम्बिनेशन के अनुसार क्या दिख रहा है हमको, जीरो दिख रहा है। फिर तो हम लोग आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो कॉम्बिनेशन है ये पैरेलल का कॉम्बिनेशन है, और अकॉर्डिंग टू पैरेलल कॉम्बिनेशन ओमेगा एन इक्वल टू अंडर रूट के बाय एम, जहां पे जो के होगा वो दोनों ही स्टिफनेस का सम होगा जो कि दिख रहा है हमको 40,000। तो ओमेगा एन का जो फॉर्मूला के बाय एम वहां पे हम 40,000 रखेंगे, नीचे रखा हम लोगों ने एम मास जो कि आ रहा हमारा 20, एफ एन विच इज इक्वल टू ओमेगा एन अपॉन में 2 एम, ये हमको दिख रहा फॉर्मूला ओमेगा एन 20 2 पाई डिवाइड करा तो 10 बाय पाई इसका आंसर है, और ऑप्शन में सी हमको यहाँ पे नजर आ रहा है। ये गेट 2000 में क्वेश्चन ये आ चुका है 2 नंबर में। अगला ही क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हमको यहाँ पे इस बार हमको सीरीज और पैरेलल दोनों कॉम्बिनेशन नजर आ रहे हैं, जो K1 और K2 दो स्प्रिंग्स हैं वो दोनों सीरीज में हैं, और ये दोनों मिलाकर के एक सिस्टम बनाएगी, एक अलग स्टिफनेस बनाएगी जो कि K3 के साथ में पैरेलल कॉम्बिनेशन में बनेगा। K1 की हमको स्टिफनेस देखे रखी 1, K2 की स्टिफनेस देखे रखी 3 और K3 की देखे रखी 2 किलो न्यूटन पर मीटर रिस्पेक्टिवली। नेचुरल फ्रिक्वेंसी हमको निकालना है रेडियंस पर सेकंड में, इसका सॉल्यूशन आप देखेंगे। सी K1 K2 से हम लोगों ने पहले उसको सीरीज में सॉल्व किया, 1/kN इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2, तो kN हमको यहाँ पे दिख रहा है कितना 751.87 kN इन दोनों को सॉल्व करने के बाद। अब हम बात कर सकते हैं कि इन दोनों को सॉल्व करके ये जो नया के आया है वो इसके साथ में एक पैरेलल का कॉम्बिनेशन बना रहा है, तो जिसके थ्रू हमारा जो के पूरे सिस्टम का आया वो आया 2751.87। ओमेगा इनका फॉर्मूला हमको अगेन वही का वही है अंडर रूट के अपॉन में एम, के वैल्यू रखी एम यहाँ पे 1 kg देखे रखा है, सॉल्व करने पे आ रहा है 52.45 रेडियंस पर सेकंड। आप यहाँ पे देख सकते हैं चार ऑप्शन, ऑप्शन बी हमको यहाँ पे नजर आ रहा है 52.44 अप्रॉक्सीमेटली हमारे आंसर के बराबर। ये क्वेश्चन गेट 1996 में हम लोगों को एक बार आ चुका है, तो ईजी क्वेश्चन था ये। अगले क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं, सी इसमें कुछ हमारा और नया कुछ हमको सीखने को मिलेगा। क्वेश्चन पढ़ेंगे, द स्टैटिक डिफ्लेक्शन ऑफ स्प्रिंग अंडर ग्रेविटी व्हेन अ मास ऑफ 1 kg इज सस्पेंडेड फ्रॉम इट इज 1 mm, अज्यूम द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी इक्वल टू 10 m/s², द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्प्रिंग मास सिस्टम इज। गेट 2016 का क्वेश्चन है जब आईआईएससी बैंगलोर ने पेपर बनाया था,
और अक्सर ऐसा लोगों से सुनते सुना सुना है कि आईआईएससी बैंगलोर बहुत ही टफ पेपर बनाता है। चलिए देखते हैं कितना टफ है सॉल्यूशन पे एक बार। जैसा कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल के थ्रू हम लोगों ने इक्वेशन वन उसमें दिखाई थी जहाँ पर एम जी और के डेल्टा बराबर हो रहे थे। आप चाहे तो पिछले लेसन में जाकर के आप उसको स्लाइड नंबर आई गेस 4 या 5 होगी जहाँ पर डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल हम लोग यूज़ कर रहे थे। इस इक्वेशन के माध्यम से हम लोग के एम को नीचे लिया है और डेल्टा को इधर लिया है तो हम लोग लिख सकते हैं के बाय एम इक्वल टू जी अपॉन में डेल्टा। नेचुरल फ्रिक्वेंसी का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट के अपॉन में अंडर रूट में के एम बाय एम की जगह मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे जी अपॉन में डेल्टा। जी की वैल्यू फिलहाल हमको दिए 10, डेल्टा दिया था 1 mm दिया था, मीटर में कन्वर्ट किया तो कितना है 0.001 मीटर। इसको हम लोगों ने सॉल्व किया, ये आया अंडर रूट 10,000 और सॉल्व करने पर आया 100 रेडियंस पर सेकंड आंसर। ये क्वेश्चन 2016 का आप जैसे कि अभी डिस्कस किया 2016 में आया हुआ था और 2 नंबर में एक क्वेश्चन आया हुआ था जो कि बहुत ही इजी गोइंग लगा मुझे तो पर्टिकुलरली। ऐसे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनमें हम लोग कुछ छोटी मोटी गलतियाँ करते हैं, उन गलतियों के बारे में बताता हूँ मैं आपको। यूजुअली स्टूडेंट क्या करते हैं कि आप लोगों ने जी के वैल्यू रखे यहाँ पे 10, डेल्टा को आप लोगों ने एम एम में नहीं कन्वर्ट करते हुए सॉरी मीटर में ना कन्वर्ट करते हुए डायरेक्टली आपने यहाँ पे एम एम में रख दिया तो उसके अनुसार आपका आएगा अंडर रूट 10/1 यानी कि अंडर रूट 10 सिंपल। तो उसमें आपको हो सकता है और गेट में यही होता है कि वैसा ही कुछ आंसर भी आपको ऑप्शन में दिया होगा और आप खुशी खुशी उसको टिक लगा के आ जाते हैं। किसी भी क्वेश्चन को आप पहली बात तो क्वेश्चन पढ़ने का काम हमारा एक ही बार का है लेकिन सॉल्यूशन आप 2 बार जरूर चेक करिए। मैं तो बोलता हूँ क्वेश्चन भी 2 बार पढ़िए, इवन सॉल्यूशन भी आप 2 बार चेक करिए तब जा करके हमको हमारी एक्यूरेसी मेंटेन हो पाती है। सो कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने आज सॉल्व करें, आगे जा करके हम और भी कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे टाइप ऑफ वाइब्रेशन जिसे हम लोगों पहले बोल चुके हैं लॉन्जिट्यूडनल लैटरल एंड ट्रांसवर्स। आज हम लोगों ने जो क्वेश्चंस करे हैं वो सिर्फ और सिर्फ लॉन्जिट्यूडनल वाइब्रेशंस के क्वेश्चंस करे हैं। आगे जाकर के नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ट्रांसवर्स वाइब्रेशन एंड टॉर्जनल वाइब्रेशन की न्यूमेरिकल्स भी करेंगे और तीनों ही मैथड से एक क्वेश्चन को मैं आपको करके बताऊंगा यानी कि तीनों मैथड यानी कि रिलेज मैथड डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल एंड एनर्जी मैथड। सो दैट्स ऑल फॉर टूडे, इफ यू हैव एनी क्वेरी देन लेट मी नो on gajendra.patiria. Thank you so much.